गरुड़ पुराण में छिपे हैं मौत से जुड़े रहस्य। यही होता है नरक और स्वर्ग का हिसाब किताब। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में मालूम चलता है। आइए जानते हैं विष्णु के अवतारों का वर्णन। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। दो भागों में बंटा है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को दो भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। चार तरह की आत्माएं। पृथ्वी पर चार प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों का समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न की शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुराई ही बुराई होती है, जिनके कर्मों का फल उन्हें नर्क व यही भुगतना पड़ी देता है, सजाएं और यातनाएं। अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इसे भी तीन अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेतकाल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में यहां बताया जा रहा है। 1. तामिस्र अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है, दंड। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुगदरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून ना निकल आए और वह बेहोश ना हो जाए। 2. अंधामित्रम अपराध। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधामित्रम की सजा दी जाती है, दंड। अंधामित्रम में तामिस्र की तरह ही पीढ़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। 3. रावरवम अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, दंड। रावरवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम के नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता है। 4. महारूर्वम अपराध। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को खत्म करना, दंड। जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। 5. कुंभीपाकम अपराध। मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या, दंड। यह नर्क में गर्म तेल बर्तनों में ऐसी व्यक्तियां को उबाला जाता है। 6. असित पात्र अपराध। अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को ना मानना और धर्म प्रथाओं उल्लंघन करना, दंड। आसिपत्र से बाणी चाबुक से मरना, चाकू तब तक मरना जब तक वह व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। 7. सुकरम मुखम अपराध। कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी गतिविधियां करना, दंड। ऐसी व्यक्ति को दबाकर कुचल देना,
और जानवर के तेज दांत के नीचे पीस देना की सजा देते हैं।